धार जिले का मनावर, गंधवानी और बांकानेर क्षेत्र अवैध हथियारों के निर्माण, खरीद फरोख्त के लिए मशहूर है, या यूं कहें तो बदनाम है। अवैध हथियारों का व्यापार करने वाले सिकलीगर और अन्य बदमाशों पर पुलिस द्वारा गाहे बाहे कार्यवाही भी की जाती रही है, लेकिन जिले के इतिहास में धार SP आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में मनावर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो तालाचाई बनाने की आड़ में घरों में चोरी को अंजाम देते थे और यही लोग हथियारों की तस्करी भी करते थे। विगत दिनों संपन्न हुई अपराध समीक्षा बैठक में IG इंदौर ग्रामीण श्री राकेश गुप्ता द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अवैध हथियार और संपत्ति संबंधी अपराधों जुड़ी गैंग पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में मनावर पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण और परिवहन से जुड़ी हुई गैंग पर प्रभावी कार्यवाही की गई है, जिसमें 3 आरोपियों से 85 अवैध पिस्टल, देसी कट, 60 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। धार से राजेंद्र सूर्यवंशी की आज की जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं उसमें विजिबली दिख रहा है कि काफी हथियार इंपॉर्टेंट सामान है। तो मैं पहले बताऊंगा कि हमारी जो टीम है जिसमें हमारे SP देवेंद्र पाटीदार, SDOP मनावर धीरज बोपर और TI मनावर नीरज बिड़थर है और उनकी जो टीम है उनके चौकी प्रभारी और टीम और साथ में हमारी ट्रेन की टीम लगातार जो है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।